Assalamualaikum, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद, शहर शहर नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस, गमे हुसैन में आजादारों का मातम, जंजीर जनी और नोहा फानी, ताजिए तवज्जो का मरकज, मजालिस में अहले बैत के मसाइब और नवासा रसूल के फलसफा शहादत पर रोशनी। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। पांडू स्ट्रीट लाहौर से निकलने वाला जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और गुजरांवाला समेत छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस। रोहड़ी में ताजिए का कदीमी जुलूस। फरात किनारे भूख और प्यास से अहले बैत निढाल, करबला के प्यासों की याद में सभी ने दूध और शरबत की तकसीम, घरों में नजरों न्यास का सिलसिला भी जारी, दलीम और हलवे की खसूसी तैयारी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, शहर कायद और पख्तूनख्वा में जुम्मे तक डबल सवारी पर पाबंदी, जुलूसों के रूट पर आज और कल मोबाइल फोन खामोश, अम के लिए चमन और सुल्तान बॉर्डर 2 रोज के लिए बंद। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस 24 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर, लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गुज़िश्ता साल दरख्वास्त दायर की थी, इसहाक डार की वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत पीर को होगी। इमरान खान मुस्लिम दुनिया में लड़ाइयों की आग मुफाहमत से भजाने के ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान की यमन तनाजे में किरदार अदा करने की पेशकश, वजीर आजम का सऊदी अरब की हमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा, हमसायों से अच्छे तालुकात की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को दोस्ती की पेशकश, वजीर आजम का भारतीय हम मनसब को जवाबी खत, मुजाकरात की बहाली पर जोर, कश्मीर समेत तस्फिया तलब मसाइल हल किए जाएं, इमरान खान जनरल असेंबली इजलास में पाक भारत वज़राए खारजा की मुलाकात की तजवीज। सऊदी अरब और यूएई के दौरे के बाद वजीर आजम की वतन वापसी, इमरान खान की सऊदी और अमाराती कयादत से मुलाकातें, दो तरफा तालुकात और तआवुन की मजबूती का अज़्म, इमरान खान ने कश्मीर और मशरिक वुस्ता की सूरत हाल का मामला भी उठाया। अडियाला से रिहाई के बाद नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर जाती उमरा में मौजूद, देखी कारकुनान का कायद का वालेहाना इस्तकबाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर हतमी फैसले तक तीनों की सजाएं मुअत्तल की थी, नैब का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। कोई गलत काम नहीं किया, जमीर मुतमईन था, नवाज शरीफ की मतवालों से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने फैसला हक में की फतह करार दे दिया, लीगी रहनुमा कायद की रिहाई पर निहाल, मरियम औरंगजेब की आंखें छलक पड़ी, कारकुनों का शहर शहर जश्न। फैसला शरीफ खानदान के लिए रिलीफ है, यकीन है अदालतें सियासी इंतकाम के अमल का हिस्सा नहीं, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, सजाएं मुअत्तल हुई मनसूख नहीं, मुजरिमों की असल जगह अडियाला है, पीटीआई रहनुमा का लूटी दौलत की वापसी पर यकीन। सी पैक हर सूरत मुकम्मल होगा, मुखालिफीन कामयाब नहीं होंगे, चीनी सदरकार मी चीफ से मुलाकात में अज़्म, जनरल कमर जावेद बाजवा की शी जिनपिंग को इक्तसादी राहदारी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी, दिफाई तआवुन मजबूत बनाने पर जोर। पाक फौज के ऑपरेशन से अलकायदा कमजोर हुई, अफगान तालिबान से मुफाहमत की कोशिश की गई, अमरीकी महकमा खारजा की तारीफ, पेंटागॉन सिक्योरिटी फंड्स की बहाली पर गौर कर रहा है, पाक अमरीका तालुकात का नया दर खुला, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। आईपीपीज की बिजली की पैदावार रोकने की धमकी, हुकूमत गर्दिशी कर्जों के 50 अरब फौरी तौर पर अदा करेगी, आशूर और वीकेंड की तातीलात के बाद स्पीड को बैंक खुलने पर रकम आईपीपीज के अकाउंट्स में मुंतकिल होगी।
चार बड़ी दवासाज कंपनियों के खरबों की टैक्स चोरी का इंकशाफ। पाकिस्तान समेत 16 मुल्कों में टैक्स बचाया गया। बरतानवी इदारे ऑक्सफेम की रिपोर्ट, टैक्स चोरी की रकम से 10 लाख बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस और 1 करोड़ के कैंसर का इलाज मुमकिन था। वर्चुअल करेंसी के मालिक होशियार, खबरदार, जापान में हैकर्स का वर्चुअल करेंसी के सर्वर पर हमला। ऑनलाइन चोरों ने 7 अरब 40 करोड़ रुपए गायब कर दिए। चोरी होने वाली करेंसी बिटकॉइन की शक्ल में थी। दरख्त उखड़ गए, तैयारे फसा में डोलते रहे। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में समुद्री तूफान अली ने खलबली मचा दी। हवा की रफ्तार 225 किलोमीटर फी घंटा थी। हादसात में खातून समेत 2 अफराद हलाक। बिजली का निजाम दरहम बरहम। तेज हवा और शोलों का गठजोड़, फायर फाइटर्स का पाइप हथिया लिया। कनाडा में जंगलाती आग बुझाते हुए अनोखा वाकया। 2000 से जायद फायर फाइटर्स ने 1 हेक्टेयर से जायद रकबे पर लगी आग को बुझा दिया। मेक्सिको की सड़कों पर जंग के मनाजर, कच्ची बस्तियों के खिलाफ ऑपरेशन, मजाहमत पर मकीन और पुलिस आमने सामने, शदीद झड़पें, फोर्सेस का लाठी चार्ज, मुतअद्दिद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। जनूबी कोरिया के सदर के शुमाली कोरिया के दौरे के आखिरी लम्हात, इनकी उन पर माउंट पीक 2 से अलविदाई मुलाकात। दोनों ने तस्वीर भी बनवाई। शुमाली और जनूबी कोरिया के सदूर ने गुज़श्ता रात इशाइये में भी शिरकत की थी। बल्लेबाजों ने धोखा दिया, बॉलर्स ने भी साथ ना निभाया। एशिया कप के बड़े मुकाबले में शाहीनों का धड़न तख्ता। भारत की पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। कप्तान सरफराज का खामियों का एतराफ, इजाले के लिए पुरअज़म। एशिया कप में आज अफगानिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला। सुपर 4 मरहला कल से शुरू होगा। जुम्मे और इतवार को 2-2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 23 सितंबर को आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल की पहली दो टीमें फाइनल खेलेंगी। मजीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।